डियरूडेंट्स मी डॉक्टर अतुल गर्ग असोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट भांगड़ कॉलेज डीडवाना वी हैव स्टडीड करवेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन प्रीवियस लेक्चर्स टुडे वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू करवेचर आज हम वक्रता से संबंधित कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं उनको प्रॉब्लम किस प्रकार दी हुई होती है उनको कैसे सॉल्व किया जाता है तो इस तरह की प्रॉब्लम एक बार डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद आप कुछ क्वेश्चन दूंगा उन्हें कर लें ठीक तरह से तो फिर कर्वेचर वाले वक्रता वाले अध्याय में चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी बहुत ध्यानपूर्वक इसे कर लें और इसका पीडीएफ जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वीडियो बनाया जा रहा है उसका पीडीएफ भी आपको साथ साथ भेज रहे हैं तो आप वीडियो भी उसका जब सुने तो पीडीएफ हाथ में रखें उसको देखकर आसानी से आप उसके नोट्स तैयार कर सकते हैं नोट्स बना सकते हैं अपने हाथ से बना लें ये नहीं कि उसका प्रिंट आउट निकाला रख लिया अपने हाथ से खुद लिखें समझें और वीडियो को साथ साथ फॉलो करें तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी और बाकी क्वेश्चंस भी आसानी से आप कर पाएंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करते हैं एक फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉर दी साइक्लॉइड साइक्लॉइड का इक्वेशन दे रखा है एक्स इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और वाई इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा ये साइक्लॉइड का इक्वेशन होता है इसके लिए प्रूव करना है रो का मान फोर ए कॉस थीटा बाई टू होगा वक्रता त्रिज्या निकालनी है जबकि अपने को प्राचलिक समीकरण दे रखी है एक्स भी थीटा में और वाई भी थीटा में तो अपने को इससे वक्रता त्रिज्या निकालनी है फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ऑफ द साइक्लोइड डी एक्स बाई डी थीटा निकाल सकते हैं ए वन प्लस कॉस थीटा हो गया और डी वाई बाई डी थीटा भी अपन निकाल सकते हैं ए साइन थीटा हो गया तो इससे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया ए साइन थीटा अपॉन ए वन प्लस कॉस थीटा ए कैंसिल आउट हुआ तो साइन थीटा को लिख दिया टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू और नीचे वन कैंसिल करने के लिए जो कॉस थीटा के तीन फॉर्मूले हैं एक तो होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन तो यहाँ यही लिखना पड़ेगा क्योंकि वन कैंसिल हो रहा है अगर ये वन माइनस कॉस थीटा होता तो लिखते वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और थर्ड फार्मूला इसका कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है तो जब जिस फार्मूले की कॉस थीटा की ज़रूरत पड़ती है हाफ एंगल की करने में वो काम में लेंगे तो यहाँ वन से वन कैंसिल हो गया क्योंकि अपन ने कॉस थीटा का मान टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन लिखा है ये कॉस थीटा का मान है ये ब्रैकेट में तो इसमें वन कैंसिल हो गया तो ये मान आ गया कॉस थीटा बाई टू भी कैंसिल हो रहा है टू से टू भी कैंसिल हो रहा है तो सीधा मान आ गया टेन थीटा बाई टू डी वाई बाई डी एक्स का मान तो अब अपने को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा क्योंकि रो जो वक्रता त्रिज्या कार्टेशियन के फॉर्म में वो अपन जानते हैं वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर तीन बटे दो बटे डी टू वाई बाई डी एक्स होती है तो डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल लिया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं तो वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन थीटा बाई टू तो उसको लिख दिया डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा बाई टू इन डी डी थीटा बाई डी एक्स अलग लिख दिया तो वन पॉइंट टू से टेन थीटा बाई टू का अवकलन तो वन पॉइंट टू सेक्स स्क्वायर थीटा बाई टू आ गया और डी एक्स बाई डी थीटा अपने ऊपर निकाल रखा है ए वन प्लस कॉस थीटा तो ये डिनोमिनेटर में चला गया ए वन प्लस कॉस थीटा तो इसको ठीक तरह से लिख लें तो वन अपॉइन्ट टू ए हो गया सेग स्क्वायर थीटा बाई टू हो गया और ये two cos square टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू वन वन फिर कैंसिल होगा क्योंकि कॉस थीटा को फिर अपन ने टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन लिख दिया तो ये आ गया वन अपॉइंट फोर ए सेक फोर थीटा बाई टू ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का माना गया अब चूंकि वक्रता त्रिज्या अपन जानते हैं वन प्लस ये फार्मूला है बार बार लिखें याद करें और इसी क्लास में नहीं आगे की क्लासों में भी काम में आएगा तो रो इज़ इक्वल टू वक्रता त्रिज्या बराबर होती है वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर तीन बटे दो बटे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू रेस टू दी पावर थ्री बाई टू अपॉन वन अपॉइन फोर ए सेक फोर थीटा बाई टू तो फोर ए तो ऊपर चला गया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू सेक स्क्वायर थीटा बाई टू की पावर तीन बटे दो तो सेक क्यूब थीटा बाई टू हो गया और नीचे सेक फोर थीटा बाई टू है तो वन अपॉन सेक थीटा बाई टू बचा केवल तो फोर ए अपॉन सेक् थीटा बाई टू बच गया तो ऊपर जाके फोर ए कॉस थीटा बाई टू आ गया तो जो अपने को प्रूव करने के लिए कहा था कि रो का मान प्रूव करिए फोर ए कॉस थीटा बाई टू होगा तो वो अपन ने यहाँ आके प्रूव आसानी से कर दिया तो ये नोटिस करने वाली बात थी कि एक्स टी में और वाई में ना देखे एक्स भी थीटा में दे दिया वाई भी थीटा में दे दिया तो अपन उससे कन्फ्यूज़ न करें के पोलर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन को मिक्स कर दिया है एक्स और थीटा में समीकरण दे दिया तो ऐसा लग रहा है जैसे कार्टेशियन की तो एक्स वाई काम में ले लिए और पोलर इक्वेशन के आर थीटा में से थीटा काम में ले लिया ऐसा कुछ नहीं है ये सिंपल प्राचलिक समीकरण है एक्स भी थीटा में और वाई भी थीटा में की जगह थीटा लिखा हुआ है नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन एट एनी पॉइंट पी ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स प्रूव दैट रो वक्रता त्रिज्या होगी टू अपॉन रूट ए एक्स प्लस ए रेस टू पावर थ्री बाई टू तो यहाँ कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है तो अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा और जो फॉर्मूला अभी काम में लिया अपन ने वक्रता त्रिज्या का रो इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर थ्री बाई टू बटे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर उसमें रखना होगा तो गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोलाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो वी गेट टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फोर ए और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू ओवर वाई और वाई का मान इक्वेशन फर्स्ट से फिर अपन लिख देते हैं इसमें तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया टू ए ओवर वाई का मान अंडर रूट फोर ए एक्स तो टू से टू कैंसिल हो गया अंडर रूट ए ऊपर बच गया और नीचे एक्स तो रूट ए बाई एक्स बच गया डी वाई बाई डी एक्स का मान नाउ वी वी वन टू कैलकुलेट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऑल्सो तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू वी गेट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रूट इज कॉमन फ्रॉम एट एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट वन अपॉन रूट एक्स तो एक्स की पावर माइनस एक बटा दो को डिफरेंशिएट करना है डी एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में तो माइनस एक बटे दो एक्स की पावर माइनस तीन बटे दो बन गया तो so ये आ गया रूट ए बाई टू विद माइनस साइन एक्स रेस टू पावर नीचे आके थ्री बाई टू प्लस का बन गया नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रो इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रेस टू दावर थ्री बाई टू बटे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसमें सब मान रख दें तो वन प्लस रूट ए बाई एक्स का होल स्क्वायर तो ए बाई एक्स ही बच गया थ्री बाई टू पावर हो गई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान लिख दिया तो इसको सिंपल करें तो टू एक्स की पावर थ्री बाई टू तो ऊपर चला गया तो रूट ए नीचे रह गया माइनस साइन यहाँ लग गया ए प्लस एक्स की पावर तीन बटे दो येरा और एक्स की पावर तीन बटे दो नीचे और आएगा वो येरा तो एक्स की पावर तीन बटे दो तो बिल कैंसिल आउट कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है क्योंकि त्रिज्या कभी ऋणात्मक नहीं होती किसी भी सर्कल की तो वक्रता त्रजा जो कि पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी है तो ये अपन नेगेटिव साइन ने लेके पॉजिटिव साइन लेंगे टू अपॉन रूट ए आई गया एक्स प्लस ए रेज टू दी पावर थ्री बाई टू आ गया यही वक्रता त्रिज्या है दिए गए कार्टिशन इक्वेशन की तो इस प्रकार कार्टिशन वाले को अपन ने सिंपली सॉल्व कर लिया अब अपन ने एक न्यूटन्स मेथड पढ़ा था ओरिजिन से पास हो रहा हो एक्स एक्सिस या वाई एक्स एस टेंजेंट लाइन हो तो उस केस में वक्रता त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं इस पर भी एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो एक क्वेश्चन लेते हैं प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई एट दिजन औरिजन पर निकालना है और वो मान होगा थ्री बाई टू ए अब ये नहीं लिखा कि इसमें टेंजेंट एक्स एक्सिस है या टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है तो अपने को एक्स एक्सिस को भी टेंजेंट लाइन मानकर और वाई एक्सिस को भी टेंजेंट लाइन मानकर दो अलग अलग क्वेश्चन करके ये बताना है कि रेडियस ऑफ करवेचर एट ओरिजन थ्री बाई टू ए होगा तो हियर टेंजेंट लाइन एट ओरिजन इज द एक्सिस हैंस फ्रॉम फार्मूला इज द एक्स एक्सिस ले लेते हैं पहले अपन तो एक्स एक्सिस पे फार्मूला रो वन है लिमिट वाई टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर ओवर टू वाई तो इसमें एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो दोनों ही है ओरिजन पर है इसलिए एंड रू टू इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एंड वाई टेंस टू जीरो वाई स्क्वायर अपॉन्न टू एक्स नाव पोटिंग अपन दोनों एक्सेस पे निकाल रहे हैं उसको बांधते हुए पोटिंग पोटिंग वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉइन टू रू वन इन गिवन इक्वेशन ऑफ कर तो जो इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई उसमें अपन ने वाई की जगह एक्स वन स्क्वायर अपॉन टू रो वन लिख दिया तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू रो वन का क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन टू रो वन तो एक्स क्यूब थ्रो आउट कैंसिल हो जाएगा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर टू रो वन की जगह हो गया क्यूब लेने पर एट रो वन क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए टू रो वन तो वन इज इक्वल टू थ्री ए पॉइंट टू रो वन एट द पॉइंट जीरो जीरो तो एट द पॉइंट जीरो पे लिमिटिंग केस में एक्स इज वल टू जीरो लिखेंगे तो ज़ीरो लिखी है अपन ने तो वन इज इक्वल टू थ्री ए बाई टू रो वन आ गया तो रो वन का मान आ गया थ्री ए बाई टू तो ये सिंपल वे है सीधा रो वन निकालने का तो so जो फार्मूला था उससे अपन ने वाई का मान दिए गए कर्व में रखा जो शुरू में कर्व दे रखा है तो इससे रो वन आ गया सिमिलरली अगर x की जगह अपन वाई स्क्वायर अपॉइंट टू रो वन लिखें जो यहाँ से अपन ने x का मान निकाल लिया तो x इज ईक्ल टू वाई स्क्वायर अपॉइंट टू रो टू आएगा तो वाई स्क्वायर अपॉइंट टू रो टू एक्स का मान लिखा इसी दिए गए इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ द कर्व में तो एक्स क्यूब का मान तो आ गया वाई स्क्वायर अपॉइंट टू रो टू का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए एक्स की जगह वापस अपन ने वाई स्क्वायर अपन टू रो वन रो टू लिख दिया और वाई है ही तो इसमें भी वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा रो टू का मान थ्री ए बाई टू आएगा तो इन बोथ द केसेस रो वन इज़ इक्वल्स टू थ्री ए बाई टू एंड रो टू इज ऑल्सो इक्वल्स टू थ्री ए बाई टू तो दोनों थ्री ए बाई टू हैं तो यही प्रूव करना था कि इस वक्र में ओरिजन पर वक्रता त्रिज्या थ्री ए बाई टू फिक्स रहेगी तो ये थोड़ा देखने वाली बात थी कि किस तरह से अपन ने रोवन टू कैलकुलेट किए के हैं बिना ज़्यादा एक्सरसाइज किए अब असाइनमेंट आपको जो डिफ़रेंशियल कैलकुलस के मैंने लेक्चर ए के साथ तो असाइनमेंट आपको दिया था फर्स्ट बी फर्स्ट सी और फर्स्ट डी इन चारों में अपने करवेचार रेडियस ऑफ करवेचार फिर उनकी इंट्रेंजिक इक्वेशन कार्टीशियन इक्वेशन और पैरामीट्रिक इक्वेशन वगैरह सब पढ़ी थी तो वो जब ठीक तरह से अपन ने पढ़ लिया तो इसके असाइनमेंट दे रहे हैं इनको ठीक तरह से कंप्लीट आप कर लें फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एस आई नैच समीकरण दे रखी है इंट्रेंजिक इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशन एस इज ईक्ल टू सी लॉग सेक्स आई एक क्वेश्चन है और एस इज इक्वल टू फोर ए साइंस आई दूसरा क्वेश्चन है इससे आप एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करिए इन दोनों क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन में फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एक्स वाई कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी हैं उनका अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर रो निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू सी लॉक्स एग एक्स बाई सी और दूसरी है एक्स वाई इज इक्वल टू सी तो इसके कार्टेशियन इक्वेशन है दोनों इसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है थर्ड है फॉर कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एट वाई एट ए वाई प्रूव दैट रो इज इक्वल टू फोर ए वन माइनस वाई बाई टू ए तो इसको मान निकालिए इसका ये अपने को डी वाई बाई डी एक्स पता है अपने को टेन साई होता है और डी एस बाई डी साई रो होता है तो उस दोनों को काम में लेते हुए आप कैलकुलेट करिए रो रोकामान फोर ए अंडर वन माइनस वाई पॉइंट टू आएगा फोर्थ है प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू ए फोर द कर्व एस एक्स इज इक्वल तो टू ए कॉस एस बाई ए एंड वाई इज ईक्ल टू ए साइन एस बाई ए तो एक्स भी प्राचलिक समीकरण दे दिया इसमें टी की जगह एस लिख रखा है अपने आप करिए पहले बता चुके हैं सारी बातें फिफ्थ फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ओरिजन ऑफ द पोलर वाई इज इक्वल आर इज इक्वल टू ए थीटा तो वो मैं बताया था पीछे कि पोलर इक्वेसन दे रखी है तो ओरिजन पर किस तरह से अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे उन फॉर्मूला को काम में लीजिए लास्ट है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट औरिजन ऑफ द कर इसमें दोनों फर्स्ट इक्वेशन तो कार्टिशियन में दे रखी है तो उसका अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना एक क्वेश्चन बताया था ठीक उसी तरह से निकाल सकते हैं और दूसरा पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखिए तो इससे वैल्यू डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी निकाल कर अपन इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करेंगे तो इन क्वेश्चंस को ठीक तरह से सॉल्व कर लीजिए तो बाकी क्वेश्चंस जो भी आप लेंगे ठीक तरह से सॉल्व हो जाएंगे और जो ऊपर क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं केवल समझने से काम नहीं चलेगा इनको अपने आप क्वेश्चन को लेके कॉपी में पहले हल देख लीजिए मैं जो वीडियो बताया वो अगर आपने ठीक तरह से सुन लिया तो इन क्वेश्चंस को पहले कॉपी में अपने आप सॉल्व कीजिए और जो मैंने बताया था पहले लेक्चर में बी सी और डी में उनको ठीक तरह से सुन लिया पढ़ लिया तो फिर नोट्स बना लीजिए उसके और इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो एक्सरसाइज या असाइनमेंट के जो क्वेश्चन दिए हैं वो बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे उसमें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और इसके अलावा भी जो क्वेश्चन आप देखते हैं उन सबको सॉल्व करिए तो ये था कर्वेचर के बारे में वक्रता और वक्रता त्रिज्या के बारे में सारा डिटेल्ड अपना लेसन जो अपन ने किया है थैंक यू